अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी यूनिवर्सिटी की, जिसके नीचे लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप हॉस्टल के बारे में बताएं या दिखाएं फीस वगैरह का। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटी सी हॉस्टल की वीडियो भी बना दूं, सो मैंने बनाई है और मैंने अपनी तरफ से एक एक चीज़ बताई है, हर चीज़। तो अभी भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ हॉस्टल भी। फ्रंट वहाँ से एंटर होते हैं हॉस्टल के अंदर, एक शॉप हॉस्टल के अंदर जो कि मोस्टली बंद ही होती है, और ये वापस हॉस्टल का ग्राउंड। वो रहा मेस जो मेस के खाने की बात कही जाए तो बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल है, खाया जा सकता है। मेस के चार्जेस 15,000 के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, फिर वो अब आपकी मर्जी, आप खाओ ना खाओ। और ये आयरन स्टैंड और वो चूल्हे हैं कि आपने कुछ बनाना हो तो उसके लिए। यहाँ पे आपको कैबिनेट्स मिलती हैं अगर आपने कुछ चीज़ें रखनी हो तो, और ये बाहर ग्राउंड हॉस्टल का वाले बेड होते हैं उनके लिए इस तरह के स्टैंड फैंस होते हैं, और जो ऊपर वाले बेड होते हैं उनके लिए ऊपर फैंस लगे हुए हैं। और अभी जो कुछ रूममेट्स हैं वो आए ही नहीं हुई हॉस्टल में। बाकी ये यहाँ पे कबर्ड्स, आपके चार अगर बेड्स हैं और चार लड़कियाँ कमरे में तो चार कबर्ड्स मिलेंगी, एक ये बड़ी वाली और एक छोटी वाली। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ उनमें कितनी स्पेस होती है। बाकी ये कि कमरे की सफाई जी आपको खुद करनी पड़ेगी, कमरे की सफाई नहीं करवाते ये लोग, वॉशरूम से अटैच नहीं है। और यहाँ पे एक टेबल है, बुक्स रखी हुई है, जानमाज़ पड़ी हुई है, और ये कबर्ड्स हैं। मैं आपको बताऊं तो आपको जब आप अगर न्यू एडमिशन है और आप हॉस्टल में नए आए तो आपको कीज़ मिलेंगी, लेकिन आपको कबर्ड की कीज़ मिलेंगी। ये तो है कबर्ड की कीज़। अगर आपको रूम की नहीं मिल रही तो आपने स्टार्टिंग में लाजमी कहना है कि आपको रूम की भी दें। आपको ये कबर्ड दिखा देती हूँ, ये खाली है क्योंकि मैंने बताया कि मेरी एक रूममेट अभी आई ही नहीं है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्पेस कितनी होगी अंदर कबर्ड में। ये एक लंबी सी है जहाँ पे आप कपड़े हैंग कर सकते हैं, उसके अलावा ऊपर छोटा सा कैबिनेट है और नीचे है, नीचे जूते रख सकते हैं। इतनी स्पेस होगी आपको कपड़े रखने वाली में, लेकिन ऊपर भी होते हैं, लेकिन ऊपर जिस तरह फॉरेनर जाके रहती हैं तो उनको बिस्तरे वगैरह इस तरह की चीज़ें रखनी होती हैं तो वो यूज़ करती हैं मोस्टली ऊपर वाले। बाकी ये छोटी वाली है, ये मेरी है और इसमें सामान पड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 3 कैबिनेट्स हैं, ज़्यादा नहीं हम इसको देखते, इसमें चीज़ें भरी हुई हैं। अच्छा तो अब मैं बताऊँ कमरे की फ़ीस के बारे में। तो एक कमरे की फीस, अच्छा यहाँ पे रूम्स होते हैं 4 लड़कियों वाले भी, हॉल्स होते हैं 14 लड़कियों वाले भी, लेकिन उनकी फ़ीस सेम होती है सबकी। एक बच्चे की फ़ीस होती है 15,000। इसमें आपके एसी के चार्जेस नहीं इंक्लूड। आपको फ्रिज रखना अलाउ है, अगर आपने फ्रिज रखा हुआ है तो उसके आपको चार्जेस होंगे पर मंथ 1,000 होंगे उसके। और एसी के भी डिपेंड करता है आप कितना यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपके 4 रूममेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपको जो एसी के चार्जेस आ सकते हैं, एक मतलब कि आप नॉर्मल भी यूज़ करो एसी को, तो 3,000 तक आ जाते हैं एसी के। 3 से भी ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो सकता है लेकिन मोस्टली ज़्यादा ही होता है। तो ये थी फ़ीस का सारा कि फ़ीस कितनी। असल में मैंने वीडियो सोचा था मैं बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा रहने दो कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने वैसे ही रैंडमली यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाते, उसके जो लोगों ने कॉमेंट्स किए हुए थे तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ और सब बता भी देती हूँ हॉस्टल की चीज़ों के बारे में। जाते हैं हॉस्टल के कुछ रूल्स की तरफ। नंबर 1 कि आपको फजूल के इलेक्ट्रॉनिक्स रखने की इजाज़त नहीं है, जिसमें जूसर मशीन्स, सैंडविच मेकर्स, कैटल, इस तरह की चीज़ें आपको अलाउ नहीं है रखना। अगर पकड़े गए तो वो ले भी लेंगे और शायद आपको फाइन भी कर देंगे। उसके अलावा आप रात सिर्फ 11 बजे तक, 11 o'clock तक बाहर से मंगा सकते हैं खाने की चीज़ें, उसके बाद नहीं अलाउ। आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं 8:30 तक, 8:30 के बाद आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। 2 हॉल हैं, फातिमा हॉल, रज़िया हॉल। आप एक दूसरे के हॉल जा सकते हैं रात 10 बजे तक। अगर आप 10 से लेट हो गए तो जिस हॉल में आप बैठे हैं आप बस उधर ही सोएं, अपने दोस्त के कमरे में ही अब रहें। अच्छा ये 15,000 है अभी 2021 के अक्टूबर में, 15,000 है एक महीने की फ़ीस एसी या फ्रिज वगैरह के बगैर। बाकी
मैं जब आई थी, मुझे 2 साल हो गए हैं, तो तब फी थी 11,000 से ही, उस वक्त 13 हुई थी, उसके बाद 15 हो गई। अब आगे जब आप लेते हैं, आप जब भी आप देख रहे हैं वीडियो, और अगर वो बाद के साल है तो तब शायद ज़्यादा भी हो सकती है। उसके अलावा सिक्योरिटी फ़ीस 2 साल पहले तो मुझसे ली थी 10,000 रुपीस, वो थी नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंड यानी कि अगर आपने 1 महीने के बाद भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ दिया ना, तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसके अलावा मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 10,000 ही हो या ज़्यादा भी हो गए हो सकते हैं। को स्ट्रेटर लाना अलाउ है, हेयर ड्रायर लाना अलाउ है, आपके जो चार्जर होता है ये अलाउ है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अटेंडेंस अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आती हैं आपके रूम में। अगर आप उस वक्त रूम में नहीं है तो आपने खुद जाकर अटेंडेंस नीचे लगवानी होती है, और अगर आप अटेंडेंस 9 बजे तक रात नहीं लगाते तो आपको फ़ाइन होगा और डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। 7 बजे तक बाहर जाना अलाउ है। उसके बाद के लिए आपको बनवाना पड़ता है पास, जिसके लिए घर कॉल होती है और सब कुछ। उसके लिए आपको एंट्री जाते हुए भी करनी होती है, आते हुए भी लाजमी करनी होती है। इसमें यह है कि आपको पास भी मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मतलब कोई रिक्वेस्ट या कॉल घर से के बाद भी रात 10 बजे से ज़्यादा नहीं, वो मुझे अभी नहीं पता, नहीं पता 10 तक बनाते भी हैं कि नहीं, 9:39 तक। और यह है कि अगर आप लेट होते हैं पास की टाइमिंग से तो आपको 5,000 फाइन होता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं आप पे, आपका फ़ोन भी चेक हो सकता है। सो बहुत प्रेशर होता है अगर आप कहीं चले जाएंगे इस टाइम तक पहुँचना है। ऊपर से लाहौर की ट्रैफिक, अगर आपने कहीं 6 बजे जाना है तो आप घर से 4 बजे निकलेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम से ट्रैफिक में ही लग जाए। में आपको वाटर कूलर से ठंडा पानी मिलेगा, और जो ओवन है वो ग्राउंड फ्लोर में भी है, वो नीचे बेसमेंट में भी है जहाँ पे मेस है। उसके अलावा अगर हम बात करें, में गीज़र चलता है और पानी बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको ठंडे पानी से नहाना पड़े, नहीं बिल्कुल सही पानी होता है। अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं हर बात क्लियर करके बताऊं, मतलब कि कोई ऐसी बात ना रह जाए मिस कर दूं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बता दूं। एक बात बताना भूल गई थी, वो ये कि वाईफाई नहीं होता, वाईफाई हॉस्टल की तरफ से आपको नहीं मिलता, वो आपको अपने लिए खुद अरेंज करना पड़ता है, आपको अपने स्टफ टॉयज अपना भी अलाउ है। तो दिस इज़ इट, यही सब कुछ था हॉस्टल में। और अगर फिर भी आप कुछ पूछे जाते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।